हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि वीकली ओवरव्यू एनालिसिस, यहाँ पर नेचुरल गैस ने यहाँ पर इस वीक में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है और आपको नेक्स्ट वीक के अंदर कौन कौन से प्राइस लेवल्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर ट्रेड करने के लिए। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 आवर की टाइम फ्रेम यूज़ कर लिया ताकि हमें जो एनालिसिस है हम आसानी से कर सकें और फॉर अ टाइम बिंग हम यहाँ पर इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीक का पोजिशन एज वेल एज ये वीक में किस तरह से परफॉर्मेंस दिया वो सब देख रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पर पाइवेट जो है अभी के लिए हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। So, सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमने आपको जिस तरह का एनालिसिस दिया था, अच्छा सा डाउन ट्रेंड चल रहा था जो कि अब यहाँ पर चैनल पैटर्न जो यहाँ पर आपको क्लियरली बनते हुए देखने को मिल ही रहा है। हम इसको थोड़ा बोल्ड भी जरूर करेंगे, डेडीज हम यहाँ पर थोड़ा मार्क कर लेते हैं ट्रेंड लाइन एज वेल एज ब्लैक कलर एंड थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा सा फॉर्मेशन जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था एज वेल एज यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा सा जो लेवल है प्राइस लेवल जो है यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा था। बट आप देख सकते हो कि जैसे ही नेक्स्ट वीक में अच्छा सा यहाँ पर आपको ब्रेकआउट डेट इज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर आपको जो मोमेंटम है वो आपको देखने को मिला था। बट पिछले कुछ 3 या 4 सेशन डेट इज ये वीक के जो स्टार्टिंग के जो 2 या 3 सेशन थे उसके अंदर आपको बहुत ही कम वॉलिटिलिटी एज वेल एज, बट फिर भी उसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इंट्राडे के जो टारगेट्स थे वो डेली मेरे हिसाब से मोस्टली कवर हो ही रहे थे। अगर नहीं हुए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन के अंदर जो है नेचुरल गैस जो है वो जरूर ट्रेड कर रहा था, दैट इज एट द प्राइस अराउंड बिटवीन ऑफ द दैट इज 295 प्लस 288 के बीच में। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें फॉल्स ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हमने इंटरडेटेड एग्जीक्यूट किया भी होता तो हमारी यहाँ पर जो पोजीशन है नियरली यहाँ पर हमारी एग्जिट जरूर हो गई होती। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एज वेल एज फिफ्थ टाइम में बहुत ही तगड़ा यहाँ पर आपको जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत ही मल्टी यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर आप रिस्क टेकर भी होते तो भी रिस्क कम के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हो दैट इज 297.5 का आपके पास लेवल था। सो 297.5 से लेके नियरली आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो दिए 322 के नियर बाय। सो ये बहुत ही बड़ा डेट इज ऑलमोस्ट 22-25 पॉइंट तक का जो टारगेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर एक लॉट भी लिया होता नेचुरल गैस के सेप्टेम्बर फ्यूचर्स का और अभी आपने अभी तक होल्ड किया होता, हम यहाँ पर हाई प्राइस की बात नहीं कर रहे, अभी तक भी होल्ड किया होता तो डेट इज आपको यहाँ पर आराम से 20,000 या फिर 25,000 के तो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आराम से आपको देखने को मिलते एक लॉट के अंदर। डेट इस एक लॉट का जो प्राइसिंग है नियरली 50,000 होता है तो 25,000 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट जो है पूरे महीने भर का जो आपका कोटा है नेचुरल गैस के अंदर ट्रेड करने का वो यहाँ पर आपका एक ही दिन के अंदर जो एग्जीक्यूट हो गया है। बट फिर भी जो अपॉर्चुनिटी चली गई वो चली गई, बट नेक्स्ट वीक के अंदर आपको किस तरह के प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट बिकॉज एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी आपको जो नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिलते हैं तो उसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी एक अच्छा सा पैसा जो है रिटेल डेट इज इंडिविजुअल डेट इज एक अच्छा से महीने पर मंथ बेसिस पर विद स्टॉप लॉस एज वेल एज टारगेट के साथ एक अच्छा सा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास सबसे अच्छा जो बाइंग लेवल होगा वो नियरली आपको 325 के ऊपर अगर कैंडल्स जाती है तो ही यहाँ पर आपको जो है लॉन्ग पोजिशन बनानी है और उसके साथ साथ में शॉर्ट पोजिशन बनाने के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डेट इज अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से 316.5 का अगर प्राइस लेवल डाउन साइड की और तोड़ता है तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट टारगेट जो है शॉर्ट पोजीशन के अंदर यहाँ पर आपको 311 या फिर 312 पॉइंट्स के जो टारगेट्स वो यहाँ पर आपको आराम से बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी एक अच्छी ऐसी जो आपको तेजी देखने को मिलती है थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। सो पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है कि जिस तरह से हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली एज वेल एज करेक्शन फिर से तेजी तो फिर से यहाँ पर करेक्शन जो है यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। इट इज एट द प्रेजेंट 316 एज वेल एज यहाँ तक भी करेक्शन जो है यहाँ पर आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिल सकता है और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि अच्छा सा अप ट्रेंड जो है और अच्छा सा ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सके। बट फॉर अ टाइम बिंग हमें इस तरह का मोमेंटम जो है हमें पता होना चाहिए कि अच्छे से बाइंग हुई तो थोड़ा बहुत जो है सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। सो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का जो ट्रेंड है वो आपको फॉलो अप होते हुए आपको देखने को मिल सके नेक्स्ट वीक के अंदर। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो हमें यहाँ पर पोजीशन बनानी है और आप मैक्सिमम 10 पॉइंट्स या फिर 12 या फिर 15 पॉइंट्स के भी टारगेट्स जो है आप अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी एज वेल एज ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से फॉर अ नेक्स्ट वीक दैट इज नेचुरल गैस के सेप्टेम्बर फ्यूचर्स के अंदर आपके लिए ज्यादा मददगार ये वीडियो रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि हम आपकी वीडियो देख के अच्छा सा प्रॉफिट कमा रहे हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम डेली बेसिस पर आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके, आपके जो इंटरनेट टारगेट्स होते हैं वो और अच्छे से और बहुत ही जल्दी आपके सामने हम पेश कर सके। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।